कुदरत केयर में आपका स्वागत है। मैं मोनिका आज आपको बताऊंगी 5 बेनिफिट ऑफ पाइनएप्पल, यानी अनानास के 5 फायदे। दोस्तों, अनानास बहुत फायदेमंद होता है हमारे लिए। अमेजिंग गुण पाए जाते हैं, क्वालिटीज इतनी है इसमें, इतने अच्छे अच्छे विटामिन्स, मिनरल और अन्य तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पाइनएप्पल गुणों से भरपूर होता है, जैसा मैंने आपको बताया। हम अगर हमारे शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सलाह दी जाती है कि हमको हमारे खाने में फ्रूट शामिल करना चाहिए, यानी खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले हमको कोई फ्रूट लेना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही फायदों की बात करेंगे कि पाइनएप्पल में ऐसे कौन कौन से मिनरल और विटामिन्स पाए जाते हैं, अन्य कौन से तत्व पाए जाते हैं और हमको उनका लाभ कैसे मिलता है। दोस्तों, पाइनएप्पल थोड़ा सा खट्टा होता है। अगर हम इसका टेस्ट अगर हम देखते हैं तो अपेक्षाकृत थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन अगर ये अच्छे से पका हो तो खटास के साथ इसमें मिठास भी होती है। वो मिठास हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है और अगर हम अपने खाने से मीठा कम करना चाहते हैं तो पाइनएप्पल का जो मीठा होता है वो नुकसानदेह नहीं होता है। तो जब भी हमारा मन करता है मीठा खाने का तो हम पाइनएप्पल खा सकते हैं। पाइनएप्पल खाने का पहला जो फायदा है वो है अगर हम अपना वेट कम करना चाहते हैं। दोस्तों, पाइनएप्पल वेट कम करने में मदद करता है। अगर हम अपना वेट कम करना चाहते हैं तो पाइनएप्पल बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास। जब भी वेट कम करने की बात आती है सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमको खाना कम खाना है या कोई मील स्किप करना है या बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजों को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो वेट अपने आप से कम होता चला जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना है अपना। पाइनएप्पल खाने से वेट कैसे कम कर सकते हैं, आइए ये जान लेते हैं। दोस्तों, पाइनएप्पल जो होता है उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगर हम खाने के आधा घंटा पहले एक छोटा बॉल पाइनएप्पल यानी अनानास को कट करके खाते हैं तो हमारे शरीर में जो फाइबर की कमी होती है यानी जो भूख लगती है हमको वो काफी हद तक शांत हो जाती है। आधा घंटा पहले हम पाइनएप्पल अगर खा लेते हैं तो अपेक्षाकृत हम रेगुलर जितना खाना खाते हैं, मतलब जितनी मात्रा हम खाने की लेते हैं वो लगभग आधी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे अगर खाने की मात्रा ही आधी हो गई है तो हमको कमजोरी नहीं आएगी उससे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसे में कमजोरी नहीं आएगी क्योंकि आपके शरीर की ऑलमोस्ट सारी जरूरतें जो हमने पाइनएप्पल खाया है वो पूरी कर रहा है। अब पाइनएप्पल खाना कैसे है, एक तरीका है कि आप पाइनएप्पल को फ्रूट सैलेड जैसे खा सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए, उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट आप जिसको बोलते हैं वो डाल सकते हैं या काला नमक डाल सकते हैं आप उसमें, साथ में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर डाल लीजिए आप उसमें। कोशिश कीजिए कि अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो सफेद नमक जो किचन में हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं उसको अवॉइड करें। वेट कम करने के लिए पाइनएप्पल से दूसरी जो रेसिपी बना सकते हैं, जितनी मात्रा पाइनएप्पल की लेनी है उतनी ही मात्रा हमको कैरेट यानी गाजर की लेनी है और दोनों को पीस लेना है आपको। मिक्सर में आप पीस लीजिए, एक एक बाउल दोनों का ले लीजिए या आधा आधा बाउल दोनों का ले लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, नमक डाल लीजिए और चम्मच से उसको खाइए आप। वेट कम करने के लिए ये जो दो चीजें मैंने बताई हैं आपको खाने के आधा घंटा पहले लेनी है। और रेसिपी बना सकते हैं आप पाइनएप्पल से, जैसे पाइनएप्पल डाल लीजिए, थोड़ी सी ब्रोकली जो बोलते हैं हम वो डाल लीजिए, इन दोनों को मिला के अगर हम खाते हैं तो भी हमारा वेट कम होता है।
खाना खाने के आधा घंटा पहले अगर हमने एक गिलास जूस भी पी लिया है तो भी बहुत फायदेमंद होता है। एक्चुअली जो अनानास जो होता है ये स्टबर्न फैट को बर्न करता है, यानी हमारे शरीर पे अगर चर्बी बहुत समय से जम गई है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। तो आप बोल सकते हैं कि फैट कटर है पाइनएप्पल। आजकल हम मार्केट में पाइनएप्पल की टैबलेट्स भी देखते हैं कि अगर वेट रिडक्शन कोई कोर्स आप कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम अगर आपने लिया है किसी मेडिकल उसके थ्रू, तो आपको पाइनएप्पल की बनी हुई यानी पाइनएप्पल फ्लेवर्ड टैबलेट सुजेस्ट की जाती हैं। तो आप सीधा ही अगर पाइनएप्पल खाते हैं, पाइनएप्पल फ्रूट अगर आप लेते हैं तो वो शुद्ध भी होगा, प्योर भी होगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा। पाइनएप्पल का दूसरा जो फायदा है वो है डायबिटीज पेशेंट के लिए। दोस्तों पाइनएप्पल जो होता है हमारे शरीर में ब्लड जो होता है उसको प्योर करता है। अगर हमारा खून थिक हो गया है तो उसको पतला करने में हेल्प करता है, इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह के रोगियों को अगर मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो एकदम पका हुआ पाइनएप्पल एक बॉल आप एक दिन में खा सकते हैं, आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे फ्रूट में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है यानी बहुत मीठे होते हैं, जैसे बनाना की अगर हम बात करें तो काफी मीठा होता है, तो मधुमेह के रोगियों को वो अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। लेकिन पाइनएप्पल एक ऐसी चीज है जो मधुमेह के रोगी खा सकते हैं यानी डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं इसको, और अगर रेगुलर हम सेवन कर दें यानी वैसे भी जैसे अन्य फ्रूट हम लेते हैं, अन्य फल हम खाते हैं, ऐसे पाइनएप्पल भी खा रहे हैं तो शुगर होने के जो चांसेस होते हैं काफी हद तक कम हो जाते हैं। अनानास में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका एक और फायदा है कि कैंसर की कोशिकाएं अगर हमारे शरीर में डेवलप हो रही हैं तो उनको भी ये रोकता है, यानी कैंसर होने के चांसेस भी कम होते हैं इससे। तीसरा फायदा जो है पाइनएप्पल खाने का वो है गर्भावस्था में औरतों के लिए बहुत लाभकारी होता है। पाइनएप्पल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और गर्भावस्था में औरतों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो कमी उनके शरीर में पल रहे बच्चे में भी आती है। तो ऐसे में अगर आप पाइनएप्पल का सेवन करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप फास्ट फोर्स की गोलियां या फोलिक एसिड की टैबलेट्स अगर आप ले रहे हैं तो पाइनएप्पल खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पाइनएप्पल में विटामिन ए और सी पाया जाता है तो इससे प्रेग्नेंट लेडीज को आंखों की रोशनी जो कम हो जाती है प्रेगनेंसी में या बेबी डिलीवर होने के बाद हम महसूस करते हैं कि आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है, तो नियमित रूप से पाइनएप्पल का सेवन करते हैं। डिलीवरी के बाद अगर आप रेगुलर अगर खाना बना लेते हैं इसको तो वो आपका जो विजन होगा वो काफी इम्प्रूव होगा। प्रेगनेंसी में लेडीज को स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, तो अगर आपने जब कंसीव किया है यानी जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं चौथा या पांचवा महीना चल रहा है आपका, तो आप एक मिश्रण बना सकते हैं पाइनएप्पल का जूस और नारियल का तेल। आप जहां जहां आपको लग रहा है कि स्ट्रेच मार्क आने वाले हैं या आ रहे हैं वहां 15 मिनट तक इस लेप को लगा के रखिए, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी इससे और स्ट्रेच मार्क को आने से रोकेगा ये मिश्रण। उसके बाद गर्म पानी से आप वो जगह धो सकते हैं, क्लीन कीजिए, दोबारा से थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लीजिए, बहुत फायदे होंगे आपको। पाइनएप्पल का चौथा जो फायदा है वो बेबीज के लिए है यानी छोटे बच्चों के लिए है। पाइनएप्पल अगर हम बच्चों का खाना बना रहे हैं यानी दलिया सेवैया या इस तरह की कोई चीज बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें 2-4 टुकड़े पाइनएप्पल के छोटे छोटे काट के डाल दीजिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप पीस के भी डाल सकते हैं, बहुत ही छोटा है
तो आप उसको कुकर में डाल के बॉईल कर लीजिए और मैश करके उसका जूस निकाल दीजिए। पानी बहुत थोड़ा डालिए, उतना ही डालिए कि वो उसमें ढक जाए, मतलब पानी का लेवल उतना होना चाहिए कि पाइनएप्पल के जो चार पीस डाले हैं वो उसमें पूरे आ जाए। बच्चों को, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो डायरेक्ट पाइनएप्पल का जूस मत दीजिए, उसमें थोड़ा सा कुछ और मिक्स कीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों की एक आदत होती है कि अगर उनको शुरू में कोई चीज पसंद नहीं आती है तो वो दोबारा नहीं खाते हैं। तो कोशिश करें कि पाइनएप्पल के जूस को थोड़ा डाइल्यूट करके दें। आप चाहें तो उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर लीजिए, और आप चाहें तो कोई अन्य फ्रूट जो आपके बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है वो मिक्स कीजिए। इससे आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी, जो डेवलप हो रही हैं हड्डियां उसमें बहुत फायदेमंद है ये। स्किन बच्चों की बहुत सेंसिटिव होती है, रैशेज आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। छोटे छोटे लाल दाने आ जाते हैं बच्चों को, हम देखते हैं कि अगर बच्चा सीधा धूप में जाता है या मिट्टी में बहुत ज्यादा खेलता है तो ऐसे में ये परेशानी देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर आप पाइनएप्पल खाते हैं तो बच्चे को इंटरनल वो शक्ति मिलेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मिलेगी ही, लेकिन त्वचा के जो रोग होते हैं उसमें पाइनएप्पल खाने से बहुत लाभ होता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इनिशियली अगर हम देखते हैं कि बच्चे को जल्दी जल्दी खांसी जुखाम बुखार हो रहा है अगर, तो वो धीरे धीरे वो एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि अस्थमा में मतलब बदल जाता है वो, तो ऐसे में भी पाइनएप्पल बहुत लाभकारी है। पाइनएप्पल का रेगुलर सेवन अगर बच्चा करता है तो अस्थमा जैसी जो बीमारियां होती हैं उनको भी अपने आप से दूर रखा जा सकता है। पाइनएप्पल का पांचवा जो फायदा है वो किडनी स्टोन के लिए है, यानी अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया है, पथरी हो गई है, तो उसमें ये बहुत लाभकारी होता है। उसके लिए आपको पाइनएप्पल के जूस में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाना है और रेगुलर इसका सेवन करना है, यानी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक बड़ा गिलास आप लीजिए और रेगुलर सेवन कीजिए। धीरे धीरे या तो उस स्टोन का साइज छोटा होके बाहर निकल जाएगा या टुकड़े टुकड़े होके वो बाहर निकल जाता है। दूसरा जो मिश्रण आप तैयार कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है। इसमें आपको एक जार में पाइनएप्पल का रस लेना है, यानी अनानास का रस आप 1 किलो जार बना लीजिए, आप चाहे तो 1 किलो जार में भर के रख लीजिए। उसमें 10 कोड़ियां बोलते हैं, कोड़ियां या कोड़ियां बोलते हैं, सफेद रंग की होती है, मैं यहाँ पिक्चर दिखा देती हूँ उसका, आप देख लीजिए। तो आपको वो शॉप से मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा मार्केट में रिसर्च करेंगे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको 7 से 10 दिन वो कोड़ियां उसमें डुबा के रखनी है पानी में, 1 लीटर पाइनएप्पल के जूस में। 30 ml से शुरू कीजिए, सुबह पीजिए खाली पेट, दोपहर को खाने के आधा घंटा पहले, रात को खाने के आधा घंटा पहले। 30 ml से शुरू कीजिए, आप ये जो मात्रा है इसको बढ़ा के 60 ml कर सकते हैं। पीते रहिए, वो 1 लीटर जैसे खत्म हो जाएगा आप महसूस करेंगे कि या तो आपका स्टोन छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया है, या फिर वो बहुत छोटा है तो वो बाहर आ गया है। अब मैं आपको बताती हूं कि फेस पैक जो मैंने बताया था आपको कि वो कैसे बनाना है, उसके लिए आपको पाइनएप्पल को पीस लेना है अच्छे से और उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालिए और थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। पूरे चेहरे पे आप इसका लेप करें, 15 से 20 मिनट आप लगा रहने दीजिए, उसके बाद पानी से धोइए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। Bye.